जय बजरंगबली, मैं प्रभजोत सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर एक वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप पाठ पूजा करेंगे, उसके क्या नियम हैं, उसके क्या निष्ठा हैं, किस तरीके से आप सारे रूल्स को फॉलो करके पाठ पूजा आरम्भ कर सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जो वो प्राचीन मंत्र है उसका किस तरीके से जाप करना चाहिए और क्या उसकी विधि है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वो जो मंत्र है वो मंत्र बेहद प्राचीन है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। उस मंत्र को स्टार्ट करने से पहले, उसका जप शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ सावधानियां बरतनी होंगी। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति उस मंत्र का जाप शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को सात्विक होना होगा। अगर वो व्यक्ति मांस मदिरे का सेवन करता है तो भूल कर भी उस मंत्र का जाप ना करे। उसके बाद जो व्यक्ति हनुमान जी का पाठ करता है, हनुमान जी का सच्चा भक्त है, वो व्यक्ति उस मंत्र का उच्चारण कर सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कैसे करता है। इसी का मैं आपको आज एक छोटा सा वो बता रहा हूँ, इसका क्या नियम है। अगर कोई इंसान हनुमान जी का पाठ करता है तो वो उस मंत्र को शुरू कर सकता है। दिन में सिर्फ एक बार ही इस मंत्र का जाप करें और वो होगा शाम को 7 बजे। जब दिन और रात एक हो रहे होते हैं तब इस मंत्र का जाप करना चाहिए, या सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माना जाता है, ये मेरा मानना है कि सुबह 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक देवी देवता इस धरती पर विराजमान होते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए शाम के 7 बजे तक, बिल्कुल अप्रॉक्स 7 बजे इस मंत्र का उच्चारण करें, नहीं तो सुबह 4 बजे। दोस्तों, इस मंत्र को जपने के लिए, इसका जाप शुरू करने के लिए आप लोगों को किसी माला की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हनुमान जी का पाठ करते हैं वैसे ही पाठ खत्म करने के बाद आप इस मंत्र को केवल 5 बार पढ़ेंगे। जैसे हनुमान जी का पाठ आरंभ करने से पहले जो व्यक्ति पाठ पूजा में नया आया है, जो ये सब चीज़ें सीखना चाहता है, मैं उन लोगों के लिए पहले बता दूं कि आप लोगों को पहले सात्विक होना होगा, उसके बाद इस चीज़ को शुरू करना होगा। यदि आप हनुमान जी का पाठ शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहले आप राम स्तुति का पाठ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, फिर आप संकट मोचन पढ़ेंगे, फिर बजरंग बाण पढ़ेंगे, आखिर में हनुमान जी की आरती। दोस्तों, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो शुरू, इस पाठ के शुरू करने से पहले आपको पढ़नी है। हनुमान जी के पाठ से पहले आपको राम स्तुति ज़रूर पढ़नी है। जी हाँ, क्योंकि हनुमान जी के नाम से पहले राम जी का नाम लिया जाता है। कई लोग बोलते हैं जय श्री राम जय बजरंगबली, कई लोग बोलते हैं जय बजरंगबली जय श्री राम, इसलिए इनका नाम पहले आएगा। जब आप ये 5ों चीज़ें पढ़ लेंगे, आपका पाठ समाप्त हो जाएगा, तब आप आखिर में उस मंत्र का केवल 5 बार ही जाप करेंगे। पाठ शुरू करने से पहले हम लोग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर हम लोग कोई बहुत इम्पॉर्टेंट काम करते हैं, सपोज़ जैसे कोई इंसान शादी करता है, तो अपनी शादी का जो फ़ैसला है वो इंसान अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेगा ना, उनसे परमिशन तो लेगा ना। ऐसे ही हमें पाठ शुरू करने से पहले हमें परमिशन लेनी है। किससे परमिशन लेनी है? उस परमपिता परमेश्वर से। अब वो कौन है, उसी चीज़ के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि उस परमपिता परमेश्वर से हमें परमिशन लेनी है, उनसे आज्ञा लेनी है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे सृष्टि के सृजनहार, हे पालनहार, हे विनाशक, भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों ही सृष्टि के सृजनहार हैं, पालनहार हैं और विनाशक हैं, इन तीनों से आपको सबसे पहले आज्ञा लेनी होगी कि हे परमपिता परमेश्वर, हे सृष्टि के सृजनहार, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, मुझे पाठ आरंभ करने की आज्ञा प्रदान कीजिए। इतने के बाद, इस आज्ञा को मांगने के बाद, आप हनुमान जी को आंखें बंद कर सच्चे दिल से याद करेंगे और ये मुँह से बोलेंगे कि आइए हनुमंत जी विराजिए। दोस्तों,
एक चीज़ कन्फर्म करूँगा, जहाँ आप पाठ करते हैं, जहाँ पाठ पूजा करते हैं, चाहे वो आप घर के किसी कोने में जो आपका एक मंदिर है उसमें करते हैं या आपका कोई सेपरेट रूम है आप वहाँ करते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पाठ पूजा की जो जगह है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, आपके कपड़े शुद्ध होने चाहिए, इन सब चीज़ों पर बहुत ध्यान रखना है हमें। जब आप हनुमान जी को याद कर लेंगे, ठीक है, हनुमान जी को याद करने के बाद आप ज़मीन पर नहीं बैठेंगे। अगर आप खड़े होकर पाठ करते हैं मंदिर के सामने तो ठीक है, लेकिन मंदिर में आप दीपक जला करके ज़मीन पर बैठेंगे। जैसे इस वक्त मैं ज़मीन पर बैठा हूँ, ज़मीन पर आप नंगी ज़मीन पर नहीं बैठेंगे, आपको इस तरीके का ये एक प्योर कॉटन जिसे हम खद्दर कहते हैं ये लेना है। ये आसन है रेड कलर का, ये मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएगा बहुत ईजीली, ठीक है, ये आपको लेना है। ये काफ़ी मोटी क्वालिटी का, जो हमारे और इस धरती के बीच एक डिस्टेंस बना के रखता है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा आप अपने सामने, जब आप इस आसन पर बैठ जाएंगे अपने सामने, ये आप धूप बत्ती जलाएंगे, जो हाथ से बनाने वाली धूप बत्ती होती है, ये मोगरा उसकी है, फ्लेवर की है, लेकिन आप कोई भी धूप बत्ती जला सकते हैं, आप गुलाब जला सकते हैं या मोगरे की जला सकते हैं या चंदन की जला सकते हैं, कोई भी जला सकते हैं, लेकिन ये जो धूप बत्ती है ये हाथ से बनाने वाली है, जो बहुत धुआं क्रिएट करती है दोस्तों। पाठ पूजा में धुएं की धुनी जो हम कहते हैं, धुनी जो कई लोग रमाते हैं ना इन चीज़ों में, जैसे हमारे पंडित होते हैं और तांत्रिक होते हैं, ये जैसे धुनी रमाते हैं, वैसे ही पूजा में इसका बहुत बड़ा योगदान है इस धूप बत्ती का, क्योंकि ये चीज़ें खुशबू से, धुएँ से बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। आपको अपने सामने इस चीज़ को जला लेना है और आसन पर बैठ जाना है। उसके बाद आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, या आप रूम में हैं तो आप रूम का लॉक कर सकते हैं, रूम को अंदर से अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दीजिए, आपको कोई इंसान डिस्टर्ब ना करे। सबसे पहले आप आज्ञा लेंगे परमपिता परमेश्वर से, उसके बाद हनुमान जी को बुलाएंगे सच्चे मन से कि हे संकट मोचन, हे पवन पुत्र हनुमान, हे मंगल मूर्ति, आप विराजिए। आप उनको सच्चे दिल से याद करेंगे। उसके बाद सबसे पहले राम स्तुति का पाठ होगा, फिर हनुमान चालीसा, फिर संकट मोचन, उपरांत बजरंग बाण, आखिर में आप हनुमान जी की आरती करेंगे। आरती जैसे ही खत्म होगी आप हाथ जोड़कर 5 बार उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। मंत्र है काल तंतु कार्य चरंती ए नर मरिष्णु निर्मुक्तेर कालेत्वम अमरिष्णु। इस मंत्र को 5 बार बोलेंगे, मैं इस मंत्र को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस मंत्र को आप 5 बार जप करेंगे, उसके बाद आप आसन से थोड़ा पीछे हटकर ज़मीन पर बैठे बैठे ही भगवान बजरंगबली को माथा टेकेंगे। जी हाँ, माथा टेकने के समय आप उनसे अनुरोध करेंगे कि हे संकट मोचन, यदि मुझसे पाठ करते समय कोई भूल चूक हुई हो मुझे क्षमा कीजिए, पाठ करने की संपूर्ण विधि अथवा नियम और निष्ठा प्रदान कीजिए। उसके बाद आप जय बजरंग बली का जयकारा छोड़ेंगे, चाहे आप सबसे पहले जय श्री राम या जय बजरंग बली बोल सकते हैं, या जय बजरंग बली जय श्री राम भी बोल सकते हैं। जैसी आपका पाठ खत्म होगा, जैसी आप उस मंत्र का 5 बारी जप कर लेंगे, आप जयकारा छोड़ेंगे जय बजरंग बली जय श्री राम। उसके बाद आप उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जिन्होंने आपको आज्ञा प्रदान की। अगर आप इस तरीके से पाठ पूजा करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जैक्टली बता रहा हूँ, जैसे मैं खुद करता हूँ, जो मुझे इंट्यूशंस हुई थी, मैंने ये सब चीज़ें किसी से पूछी नहीं है कि मुझे किस तरीके से पाठ करना चाहिए, मैंने अपने अंदर से जो मुझे आवाज़ आ रही थी उसको सुनकर मैंने सब चीज़ें शुरू की हैं। अगर आप इस विधि विधान से प्रॉपर तरीके से पाठ करेंगे तो आप बहुत जल्दी सफल होंगे इन चीज़ों में। दोस्तों, मंत्र जिस तरीके से बताया गया है सिर्फ उसी तरीके से उच्चारण होगा। ये नहीं है कि आप माला लेके बैठ जाएंगे रुद्राक्ष की या तुलसी की 108 बार और 10 बार जाप करेंगे, ऐसा वैसा कुछ नहीं करना आपने। यदि आप सुबह करना चाहते हैं तो 4 बजे कर लीजिए उसका जाप, और शाम को 7 बजे। ये 2 टाइम ऐसे होते हैं जब देवी देवता धरती पर विराजमान होते हैं, धरती पर वो आते हैं, इसलिए सुबह के 4 बजे को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, शाम के समय को जो भी कहा जाता है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन ये दोनों टाइम ऐसे हैं जब लोग पाठ पूजा करते हैं। इसलिए दोस्तों इन चीज़ों का ध्यान रखिए। जो लोग सात्विक नहीं हैं, मैं फिर बोलूँगा, वो लोग इस मंत्र का जाप ना करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस मंदिर के और
उस जगह के दर्शन कराऊंगा जहां भगवान ने मुझे दर्शन दिए थे। कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, इस कोरोना वायरस की वजह से हम लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, इसलिए ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप समझ सकते हैं। इसलिए अगली वीडियो में मैं आपको उस जगह से परिचय करवाऊंगा, उस जगह को दिखाऊंगा और कुछ और बातें आप लोगों से डिस्कस करूंगा इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि हनुमान जी के बाद कुछ ऐसी चीज़ें और भी आप लोगों को सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और डीपली सोचेंगे। दोस्तों, सिर्फ हनुमान जी ऐसे नहीं हैं जो जीवित हैं, इनके अलावा कुछ चीज़ें और भी ऐसी हैं जो इस धरती पर विराजमान हैं, जो आज तक किसी को पता ही नहीं है कि ये चीज़ें हैं हमारे बीच, लेकिन वो हर किसी को नहीं दिखती। और ऐसा ही एक मंत्र है, हर किसी को फल नहीं देगा, जिस इंसान के, जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे होंगे, जो अपने आप को स्वयं बजरंग बली से जुड़ा हुआ महसूस करेगा, उनकी आत्मा से, वही सफल होगा। वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हर घर में राम नाम का जाप हो, हर घर में जय बजरंग बली के जयकारें छूटें और हम सब सफल हों। अगली वीडियो बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा, तब तक के लिए जय बजरंग बली, जय श्री राम।